उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के 20 नदियों को महाकुंभ में शामिल होने के लिए निमंत्रण भेजा गया है। शनिवार को इन 20 नदियों का जल संस्कार भारती कमेटी प्रयागराज महाकुंभ लेकर जाएगी। इसके बाद 12 जनवरी को इन सभी नदियों का जल प्रयागराज कुंभ में प्रवाहित किया जाएगा। तो इसका उद्देश्य दूसरा रखा गया था कि जो अपने प्रयागराज में हमारी गंगा माँ है, इन्होंने पूरे देश की नदियों को अपने आमंत्रित किया है। उस आमंत्रित करने के पीछे उन्होंने उद्देश्य ये था कि जैसे हमारे घर में कार्यक्रम होता है, हम लोग जो है जाके एक मनोहर पाती लेके जाते हैं, इसी उद्देश्य से माँ से एक हमारे लिए जल लाया गया है। उस जल को यहाँ पे जो भी नदी बनेगा है उनमें पहले प्रवाहित किया जाएगा। माँ की एक जो पाती है मनोहर पाती, वो वहां पर पढ़ी जाएगी। उसके बाद में दो बालिकाएं नदी स्वरूपा बन के नीलशाली में उस जल को भरेंगी। ये जल प्रयागराज में 11 तारीख को कलश रखा जाएगा। 12 तारीख को वहां पर जो है एक ब्रह्म शोभा यात्रा निकल जाएगी और उस दिन उसको वहां पर विसर्जित करके देश की सब नदियों को एक जगह करते